नमस्कार, जय श्री राम साथियों। शिव तांडव के स्त्रोत की रिकॉर्डिंग के समय एक बहुत ही अच्छी बात मेरे को पता चली, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। क्या आपको पता है दशानन का नाम रावण कैसे पड़ा? दशानन जो था वो विश्रवा और कैक्सी का पुत्र था। विश्रवा के दूसरी पत्नी थी, उसे कुबेर का जन्म हुआ था। इस तरह से कुबेर जो था वो रावण का सौतेला भाई हुआ। विश्रवा ने लंका का राज कुबेर को दिया था। सोने से जड़ी लंका थी तो रावण ने अपने बल और पराक्रम से कुबेर से वो लंका छीन ली और वैभव के साथ बढ़िया अच्छे तरीके से रहने लग गया। क्योंकि रावण शिव जी का भक्त था तो उसके मन में यह आया कि मैं अपने आराध्य शिव जी को भी लंका ले आऊं, यहीं पर उनको रहने के लिए बोलता हूं। और उसके बाद दशानंद कैलाश पर्वत पहुंच गया। दशानंद जब वहां पहुंचा तो नंदी से मिला। नंदी ने कहा कि शिव जी अभी मिल नहीं सकते, वे अपने ध्यान में मग्न हैं। तो रावण से रहा नहीं गया, उसने सोचा रहने दो ध्यान में मग्न शिव जी को, मैं पूरे कैलाश पर्वत को ही उठाकर लंका ले चलता हूँ। तो अपने घमंड में, अपने मद में चूर रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने के लिए अपनी भुजा से कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश करने लगा। शिव जी ऊपर से देख रहे थे, उन्होंने सोचा इसको मैं सबक सिखाता हूँ। उन्होंने अपने पांव के अंगूठे से कैलाश को दबा दिया। रावण की भुजाएं पूरी तरह उस कैलाश पर्वत के नीचे दब गई और भीषण तरीके से जोर जोर से चित्कार करने लग गया और वह बहुत जोर से चिल्ला रहा था। अब शिव जी ने भी कहा, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे, तेरे को बड़ा घमंड है अपने बल पर, तो चलो हम भी देखते हैं। रावण जब बहुत ज्यादा परेशान हो गया तो उसने विभिन्न विभिन्न तरीकों के जो वेदों और पुराणों में गाई गई है शिव से जुड़े श्लोक उसने गाने शुरू कर दिए और उनको प्रसन्न करने के लिए शिव जी को सुनाता रहा। फिर भी शिव जी ने रावण पर एक भी दया नहीं खाई। उसके बाद रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की स्तुति करना शुरू कर दी और वहीं से शिव तांडव का रचना हुआ था। जब उसका हाथ दबा हुआ था तब वह जोर जोर से चित्कार रहा था। इस करुणा में, इस जोरों शोरों से चिल्लाने को संस्कृत में बोला जाता है रावह सुरणा। रावह सुरण को अगर मिलाकर देखा जाए तो इसको मिलाने के बाद बनता है रावण। तब से दशानंद का नाम रावण पड़ा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम। धन्यवाद।